परेशान। क्षेत्र में जनता की समस्याओं का नहीं निकलता हल। सरकारी कागजों में है क्षेत्र का विकास। मध्य प्रदेश में आगामी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपना जोर आजमाने की कोशिश कर रही हैं और उसी तरह ही जनप्रतिनिधि जनता को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार जनप्रतिनिधि जितने ज्यादा चुनाव में सक्रिय हो जाते हैं, क्या उससे पहले भी वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं या नहीं, यही जानने के लिए आज हम भितरवार विधानसभा के ग्राम सिमरिया टांका पहुंचे, जहां क्षेत्र की स्थिति देखकर तो यही समझ आया कि क्षेत्र का हाल विधायक लाखन सिंह ने अपनी विधायकी से बेहाल कर रखा है। चलिए आपको बताते हैं क्या है हाल इस विधानसभा क्षेत्र का। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूक चुका है। इस बार ग्वालियर चंबल की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल की एक महत्वपूर्ण सीट ग्वालियर से सटी हुई भितरवार विधानसभा में आज हम खड़े। चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आम जनता से एक बहुत ही काफी अंदर जंगल में आके लगभग 7-8 किलोमीटर आने के बाद हमें एक गांव मिला है, सिमरिया टांका नाम है शायद इस गांव का। यहां पर एक गांव मिला है और यहां पर आम जनता से बात करना चाहें। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। मतलब पिछले लंबे समय से आपके यहाँ क्षेत्र के विधायक लगातार एक ही विधायक है और पूर्व में बीच में मंत्री भी रहे कांग्रेस की सरकार में, तो क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं? कोई विकास नहीं है। 15 साल में कोई विकास नहीं है। क्या लगता है आपको क्षेत्र में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, पानी ना मर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? कैलाश। कैलाश जी, लगातार पिछले 15 सालों से एक ही विधायक हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी आपने देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी, विकास कार्य आपके क्षेत्रों में क्या स्थितियां? विकास कार्य बंद ही नहीं, बंद 15 साल में विधायक बने के ना ही बनल मारेंगे करवा देंगे, बनना तो बंद होना चाहिए कम से कम आपके क्षेत्र में। मतलब आप विधायक से संतुष्ट हैं? बंद ही नहीं, बंद हो तो क्या करें। तो सुना आपने, विधायक के राज में क्षेत्र की जनता का हाल आखिरकार कितना बुरा हो गया है। क्षेत्र की जनता का मानना है कि यहाँ केवल विधायक आकर कार्य को सुधारने के लिए आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन उस कार्य के प्रति कोई भी काम नहीं होता, कोई भी सुविधा हमें नहीं मिलती। तो जरा सोचिए खुद आप, अगर जनता ऐसे ही परेशान रही तो कैसे विधायक की विधायकी बरकरार रहेगी? क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका उनकी जनता के प्रति कोई फर्ज नहीं? आखिर कौन रखेगा इस जनता का ख्याल, ये तो भला भगवान ही जाने।